सनातन जी करें, एक सवाल है, आज तक इनकी सरकार आई पर अभी तक लाल बहादुर शास्त्री जी की ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या किसी ने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई थी वो, और एक अनुजधर की भी किताब पुस्तक है, आप पढ़ेंगे आपको ये लगेगा कि इसकी इनकी हिंदी भी है अनुजधर की। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में एक बड़ी भूमिका CIA की थी और सरकारें CIA चला रही, तो कहां लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु का रहस्य कौन खोलने जाएगा? बताइए, भारत के पूरे जितनी भी पार्टियां सरकारें हैं आप देख रहे हो कि वो उनकी स्थिति जो है वो अमेरिका के पिछलग्गू बने घूमते हैं, तो कहां तक खोल पाएंगे? कहेंगे हमारे विदेश नीति खराब हो जाएगी, टेक्ना नीति खराब हो जाएगी, ये संभव ही नहीं, असंभव काम। CIA की बड़ी भूमिका इसमें आई थी, रसिया में मारा था CIA ने, यह आरोप आया क्योंकि रसिया नहीं मार सकता था, रसिया बदनाम, और CIA ने एक ऑपरेशन इसलिए किया इसको क्योंकि भारत उस समय स्ट्रेटजिकली नेहरू के बाद, ये मैंने कहानी कम्युनिस्ट में लिखा है कि वो रसिया के करीब, रसिया के बहुत करीब था, तो इसमें और अपनी धरती पर कोई नहीं मारेगा, और चूंकि इस तरह का ऑपरेशन रसिया करता था तो रसिया पूरा बदनाम होगा बुरी तरीके से। तो इसमें दूसरी दो थ्योरी आई कि रसिया ने इंदिरा के पक्ष में इसको मारा, ये थ्योरी भी आई कि रसिया ने ताकि इंदिरा को सत्ता मिले, लाल बहादुर को ना मिले। लेकिन CIA का एक जो बड़ा पोर्शन था इस पूरे मामले में, ये सब आपको मैं इसके कोई सबूत नहीं दे रहा हूं, पर ये सब आप दोनों किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो CIA की भी एक बड़ी प्लॉटिंग थी कि किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री रास्ते से हटें और रसिया और भारत के रिश्ते खराब हों इस मामले को लेकर, क्योंकि रसिया और भारत बहुत क्लोजली उस समय काम कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट माइंड ही थे, आपको मेरी किताब पढ़ी होंगे आपने कहानी कम्युनिस्टों की, वो कम्युनिस्ट ही थे, रसिया की पूरी योजना को कॉपी किया था, पंचवर्षीय योजना सब तो वही चल रहा था, तो ये बड़े तरीके के साथ खेला गया था। ये आपको अनुजधर की पुस्तक आप जरूर पढ़नी चाहिए, हिंदी में भी है, कपूत पर है, छोटी सी किताब पुस्तक है, तो ये तो अंग्रेजी में है, हिंदी वाला भी होगा, ये जरूर पढ़िए आप सब, ताकि आपको उस रहस्य का पता चले, उस समय का अखबारों में क्या छप रहा था, क्या चीजें आई थी, तो डिटेल आपको शास्त्री जी की मृत्यु पर पता चलेगा इससे। विवेक अग्निहोत्री को तो मदद अनुजधर ने ही किया इस फिल्म के लिए, उसमें आपको देखते हो गए ताशकंद फाइल में नाम भी आता है, पर तो वो उनके फिल्म का स्क्रिप्ट ही है विवेक अग्निहोत्री का जो की जो पुस्तक है, परंतु ये बड़े रिसर्च करके अनुजधर की पुस्तक लिखी हुई है, हालांकि कपूत पे दोनों है, दोनों आप पढ़ सकते हो, लेकिन अनुजधर जो है की पुस्तक आप एक पत्रकार रहे तो वो आपको पढ़ना चाहिए, शास्त्री के साथ उस दिन क्या हुआ था, तो आपको कड़ी जोड़ने में आसानी होगी।